हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ गायनेकोमेस्टिया, ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमेस्टिया, हम कैसे गायनेकोमेस्टिया को ग्रेड करते हैं। तो देखिए, जो गायनेकोमेस्टिया है, यानी कि जो मेल्स जिनमें ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो गया है और उसके क्या क्या कारण हैं, वो हम पहले एक अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉजेज ऑफ गायनेकोमेस्टिया में गायनेकोमेस्टिया के क्या कारण हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज हमारा ब्रेस्ट का साइज अगर बड़ा हो गया है तो कब ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट लें। तो पहली बात तो यह समझ लें कि गायनेकोमेस्टिया यानी कि अगर आप ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है मेल्स के अंदर और आपको कोई मेजर इलनेस नहीं है, ना कोई ट्यूमर नहीं है या कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी साइज़ बड़ा हो रहा है आपके ब्रेस्ट का, तो इसका ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना परेशान हैं अपनी ब्रेस्ट के साइज़ से। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके लिए एम्बैरेसिंग हो रहा है, खास करके जब आप टाइट फिटिंग क्लोथ्स डालते हैं, टी शर्ट्स डालते हैं, स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, तो फिर आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है और आप नहीं फेस कर पाते कि लोग आपकी चेस्ट को देखें और आपको, आप पर हंसें या ये सोचें कि आपका क्या जेंडर है, इसको उसके ऊपर क्वेश्चन करें। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप इन सब से परेशान हैं तो आप गायनेकोमेस्टिया के लिए ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई आपको नहीं बोलेगा या डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। यह आपका अपना डिसीजन है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं या नहीं कंफर्टेबल हैं अपनी ब्रेस्ट की साइज और शेप से। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है, ग्रेड कैसे किए जाते हैं। देखिए, गायनेकोमेस्टिया को चार ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड वन यानी सबसे कम गायनेकोमेस्टिया एंड ग्रेड फोर मीन सबसे ज़्यादा साइज जो बड़ा हुआ है गायनेकोमेस्टिया का। ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया तब बोला जाता है जब जो साइज़ है हमारा ब्रेस्ट ग्लैंड और टिश्यू का वो लेस देन 250 ग्राम्स है साइज़ वाइज देखें तो। इसके अंदर ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, पफीनेस ऑफ निपल्स प्रेजेंट होती है, स्किन का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और तो इसको ग्रेड वन बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया का। ग्रेड टू गायनेकोमेस्टिया का मतलब 250 से 500, 250 से 500 ग्राम ब्रेस्ट टिश्यू ईच साइड ऑफ द ब्रेस्ट में अगर ज़्यादा है तो उसको हम ग्रेड टू गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इसके अंदर ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, थोड़ा स्किन भी बड़ा होता है लेकिन सैगिंग नहीं होती, स्किन की सैगिंग नहीं होती, ब्रेस्ट की सैगिंग नहीं होती लेकिन ब्रेस्ट का साइज़ ज़रूर बड़ा होता है। ग्रेड थ्री गायनेकोमेस्टिया तब बोला जाता है जब वो 500 से ज़्यादा 500 ग्राम से ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ी टोसिस शुरू होती है, ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा शुरू भी हो जाता है और जो निप्पल और ब्रेस्ट है वो सैग करने लगती है, नीचे लटकने लगती है। ग्रेड फोर के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट साइज होता है, मोर देन 1 kg, 1000 ग्राम्स हो सकता है और बहुत सिग्निफिकेंट सैगिंग हम जो देखते हैं, ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा सैग कर रही है, लटक रही है, नीचे लूज हो रही है एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह, इसको स्टेज फोर गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। तो देखिए, ये चार ग्रेड है गायनेकोमेस्टिया के जिनको माइंड में रखते हैं। और क्या इसका सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ज़्यादातर जो गायनेकोमेस्टिया का बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है, मेडिकल नहीं है। कभी कभी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं कि इस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर मैं अलग से बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, बहुत अर्ली स्टेज वन या ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया है तो मेडिकल ट्रीटमेंट कभी कभी काम कर सकता है लेकिन हर बार नहीं काम करता है। और अगर आपका स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री या स्टेज फोर है, बड़ा हुआ है, तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट, लाइपोसक्शन और कभी कभी ब्रेस्ट ग्लैंड एक्सीजन या कभी स्किन एक्सीजन, ये तीनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड। तो इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जिकली कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।